राजस्थान में भरतपुर में वाकया लोहागढ़ किला वाकया अपने नाम पर कायम है और मजबूती से जिंदा रहा है और फौजी दस्तों के हमलों के साथ साथ सदियों से वक्त की तबाहकारियों का भी मुकाबला किया है। ये किला भरतपुर जाट हुक्मरानों ने बनवाया था। महाराजा सूरजमल ने अपनी तमाम ताकत और दौलत को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया और अपनी ममलकत में मुतअद्दद किले और महल्लात तामीर किए। इनमें से एक मशहूर लोहागढ़ किला है, यादगार एक फने तामीर का मौजजा है, जिसने खास तौर पर फने तामीर के तुलबा और मौरखीन की दिलचस्पियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। लोहागढ़ किला अपनी नौयत की एक यादगार है। लोहागढ़ का मतलब है लोहे का किला और किला, जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, तकरीबन नाकाबले तस्खीर है। हर तरफ गहरी खाइयों से महफूज और पहले जमाने में बड़े पैमाने पर यह ख्याल किया जाता था कि किला सिर्फ उस वक्त गिर सकता है जब एक मगरमच्छ खाई का सारा पानी निगल जाए। असल में 1730 की दहाई में तामीर किया गया। आज किला का बेशतर हिस्सा सरकारी दफातर और म्यूजियम के जरिए कब्जा है। किला के फने तामीर में सियाहों को जो चीज फौरन मुतासिर करती है वो दिखावा की कमी है। जहाँ तक नक्शो नगार और पेंटिंग्स का ताल्लुक है, ये आसान है, गैर जरूरी आराइश के लिए तकरीबन कोई गुंजाइश नहीं है, जिसका जोर सिर्फ सलामती और तहफ्फुज पर है। सादा लफ्जों में किला मामूली और फॉल है। ताकतवर किले के अंदर तीन महल हैं, महल खास, कामरा महल और भदन सिंह का महल। किला की कुछ मुतासर कुन यादगारों में कशूरी महल, महल खास और कोठी महल भी शामिल है। म्यूजियम और मरकजी दरवाजे के दरमियान, जिसे अष्टाधा गेट कहा जाता है, नेहरू पार्क है। बैठकर हवा का लुत्फ उठाने के लिए ये खुशगवार जगह है। लोहागढ़ किला इस बात को वाजिया करता है कि जाट लापरवाही पर यकीन नहीं रखते, तो जबकि दिगर कमजोर किलों ने तेजी से पस्ते का रास्ता इख्तियार कर लिया, लोहागढ़ हमेशा भरतपुर शहर को अपनी जरूरत की हिफाजत फराहम करने के लिए मजबूत खड़ा रहा। लोहागढ़ किला आज भरतपुर शहर के वस्त में एक मस्नूई जजीरे पर शानदार तौर पर खड़ा है। शानदार किला पूरे शहर के तवज्जो का मरकज है और इस शानदार तमाशे को देखने के लिए मुल्क के तमाम हिस्सों से आने वाले जायरीन की तरफ से इसकी तारीफ की जाती है। लोहागढ़ किले की तामीर महाराजा सूरजमल ने 1732 में शुरू की थी और इस किले को मुकम्मल होने में 60 साल लगे। नाकाबले रसाई किला ने 1805 में लॉर्ड लेक की क्यादत में बरतानवी अफवाज के बार बार होने वाले हमलों को आसानी से बर्दाश्त किया। फौज ने 6 हफ्तों तक मुहासरा किया। इस किले को 4 बार अंग्रेजों के हमले का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस किले का सबसे पायदार नुक्ता मिट्टी से बनी मोटी दीवारें हैं, जिसने मुगलों और बरतानवी फौजों की तरफ से होने वाली तमाम फायरिंग को बगैर किसी परेशानी या तंजली के जज़्ब कर लिया। ये दीवारें 7 किलोमीटर लंबी हैं और इन्हें मुकम्मल होने में 8 साल लगे। ये ख्याल किया जाता है कि लोहागढ़ किला गालबन माही दर्ग या मट्टी के किले से मुतासिर हुआ था, जिसका बयान कदीम संस्कृत सहीफों में मिलता है। बदकिस्मती से 1826 में जब बरतानवी फौज ने किला पर कब्जा किया तो दीवारों को तोड़ दिया, ताहम अंदरूनी दीवारों के कुछ हिस्से बाकी थे। किला के अंदर 2 दरवाजे मिल सकते हैं। एक दरवाजा शुमाल में है और इसे अशदातु या 8 दाती दरवाजे के नाम से जाना जाता है। काफी गोल गढ़ों और जंगी हाथियों की पेंटिंग्स वाला ये गेटवे इस दौर की मुनफरिद तारीख की गवाही देता है। इस दरवाजे के साथ एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ये दरवाजा शुरू में चित्तौड़गढ़ किले का दरवाजा था, जो राजस्थान में वाकया है। जब 13वीं सदी के आखिर में
सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने राजपूत शहर को लूटा तो वो इसे दिल्ली ले गया। जाटों ने फिर इसे दिल्ली से फाड़ दिया जब उन्होंने 1764 में इस पर हमला किया और इसे अपने साथ भरतपुर वापस ले गए। जनोब के तरफ दरवाजे को जो बर्जा या चार स्टोन वाला दरवाजा कहा जाता है और उसे भी इसी तरह उठाया गया था। रेत के पत्थर का दरबार या महाराजा का जलसागा भी अपनी बारीक खुदी हुई दीवारों, सतूनों और मेहराबों से जायरीन को अपनी तरफ मतवजो करता है। जबरदस्त किले के दीगर यादगारों में कीश्वरी महल, महल खास और कोठी खास के साथ साथ जौहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जैसे मीनार शामिल हैं। ये टावर मुगलों और बरतानवी फौज पर जाट की फतह की याद में बनाए गए थे। महल खास को सूरज मिल ने तामीर किया था और इन तीन महलों में से एक जो जाटों ने 1730 और 1850 के दौरान किले में बनाए थे। महल में खमीदा छतें और बालकोनियां हैं जो बारी खदी हुई खतूतों वहदानी पर सहारा दी गई हैं और ये शाही तर्ज जाट की खसूसियत है। कामरा महल जो शुरू में लोहागढ़ किले के तमाम हथियारों और खजाने को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इसे सरकारी अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है। इसमें जैन के मजस्मे हैं, यक्षा की नक्शो नगार जो पहली सदी कबल मसीह से ताल्लुक रखती है, हथियारों के मजमुए और मकतूतात जो अरबी और संस्कृत में लिखे गए हैं, हुजरे छोटे हैं और इनमें पत्थर की खिड़कियां हैं जिनमें टाइल्ड मार्बल फर्श हैं जिन पर खूबसूरत नमूने हैं। यहाँ की दीगर नमाइशों में नटराज के तौर पर भगवान शिव की एक खूबसूरत नक्शो नगार और सुरख सेंडा स्टोन शेवलिंग शामिल हैं। किला खाई से गिरा हुआ है जिसकी चौड़ाई 250 फुट और गहराई 20 फुट है। खाई खोदने के बाद 25 फुट ऊंचाई और 30 फुट चौड़ाई की दीवार बनाई गई। किला में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए 10 दरवाजे हैं। हर दरवाजा मरकजी सड़क की तरफ जाता है और सड़क के आगे एक खाई थी जिसकी चौड़ाई 175 फुट और गहराई 40 फुट थी। किला में 8 बुर्ज या मीनार थे जिनमें से जवाहर बुर्ज सबसे ऊंचा है। इन टावर्स पर बड़ी बड़ी तोपों के पहिए नसब थे। तोप के पहियों का वजन इतना ज्यादा था कि हथियार को खींचने के लिए बैलों के 40 जोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। बहुत सी छोटी तोपों पर पहिए भी नसब किए गए थे जो या तो जंग के दौरान लूट लिए गए या बादशाह ने खरीद लिए थे। जवाहर बुर्ज को राजा स्वाई जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर अपनी फतह की याद में तामीर करवाया था। जवाहर बुर्ज को हुक्मरानों की ताजपोशी की तकरीब के लिए भी इस्तेमाल किया गया। बुर्ज की छत पर फ्रेस्कोज हैं जो अब खराब हो चुके हैं। बुर्ज में पवीलियन का एक सिलसिला भी है। फतेह बुर्ज राजा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों पर अपनी फतह की याद में तामीर करवाया था। बुर्ज 1805 में तामीर किया गया था। वजह स्तंभ या विक्ट्री कॉलम एक लोहे का सून है जो जाट बादशाहों के नसब पर मुश्तमिल है। लॉर्ड क्रिशन से शुरू होकर शजरा नस्ब संधुपाल की तरफ जाता है जो भगवान कृष्ण की 64वीं औलाद थे। ये महाराजा बरजिंदर सिंह तक जाता है जिसने 1929 से 1948 तक हुकूमत की। शजरा नसब में मजकूर हुक्मरानों का ताल्लुक यादो नशी जाट से है। महल खास की तामीर सूरज मिल ने करवाई जिसने 1733 से 1763 तक हुकूमत की। महल की छतें खमीदा हैं और बालकोनियों को सहारा देने के लिए गार वाले ब्रैकेट इस्तेमाल किए गए थे। ये तमाम तामीर जाट फने तामीर का हिस्सा थी। किला की मशरकी जानिब एक और महल खास है जिसे राजा बलवंत सिंह ने बनाया था जिसने 1826 से 1853 तक हुकूमत की। लोहागढ़ किला देखने का बेहतरीन वक़्त अगस्त से सितंबर तक है। पहाड़ी की तरफ जाने वाली सड़कें और पगडंडियां मानसून के दौरान काफ़ी फिसलन वाली होती हैं। किला आवाम के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक खोला जाता है। सरकारी तातील के दिन भी किला तमाम दिन खुला रहता है। पूरे किले का दौरा करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं क्योंकि वहाँ महल्लात, टावर्स और दीगर ढांचे हैं जिन्हें सियाह देख सकते हैं। सियाहों को किला देखने के लिए दाखिला फीस अदा करनी पड़ती है। हिंदुस्तानियों के लिए दाखिला फीस 50 रुपये और गैर मुल्कियों के लिए ये 400 रुपये हैं।
अक्टूबर से मार्च तक का अरसा बर्थपुर जाने के लिए बेहतरीन वक़्त है, क्योंकि दर्जा हरारत 7 डिग्री से 27 डिग्री तक है। मौसम सर्द होने की वजह से सियाह इस जगह का दौरा करके लुत्फ अंदोज होंगे। अप्रैल से जून तक का अरसा बहुत गर्म होता है, क्योंकि दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए यह मुद्दत मुनासिब नहीं है। जुलाई से सितंबर तक का अरसा गर्म और मरतूब होता है और इस जगह पर जाने के लिए मौजू नहीं होता। अगर सियाह हरियाली देखना चाहते हैं तो इस वक्त बर्थपुर आ सकते हैं। बर्थपुर में तकरीबन 74 होटल हैं जहां सियाह ठहर सकते हैं। होटलों में सस्ते होटलों से लेकर महंगे 5-स्टार होटल्स तक हैं। 1 5-स्टार, 5 4-स्टार, 3-स्टार 14 और 9 बजट और 39 सस्ते होटल हैं। कस्बे के वसत में वाकया होने की वजह से लोहागढ़ किला तक ट्रांसपोर्ट के तमाम जराये से रसाई हासिल की जा सकती है। भरतपुर में हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन करीबी कौमी और बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे आगरा, जयपुर और दिल्ली हैं। सियाह इन मकामात पर हवाई जहाज के जरिए पहुंच सकते हैं और फिर टैक्सी किराया पर ले सकते हैं या भरतपुर पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं। भरतपुर दिल्ली ता मुंबई और दिल्ली ता जयपुर के मरकजी ब्रांड गेज लाइन पर वाकया है। इस तरह ये हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम हिस्सों से जुड़ा हुआ है और सियाह यहाँ आसानी और आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ जिन ट्रेनों के स्टॉप्स हैं, इनमें जिन शताब्दी, सुपर फास्ट, फास्ट मील और एक्सप्रेस शामिल हैं। तो नाजरीन, ये थी लोहागढ़ किला की मुकम्मल तारीखी और जग्राफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रही होगी। हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।